नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम विनोद सिंह है और आप देख रहे हैं विनोद टेक मोबाइल चैनल। दोस्तों आज मेरे पास एक वीवो का सेट है जो वीवो i15 है, आप देख सकते हैं, और ये डेड कंडीशन में है, ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं ऑन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए पावर की है, पावर की प्रेस करने के बाद ये ऑन नहीं हो रहा है। और चार्जर भी मैं लगा के दिखा देता हूँ कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए चार्जर पिन लगाने के बाद जो है इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सेट को हम ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है और क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्यों और नहीं हो रहा है। तो चलिए सेट को ओपन कर लेते हैं। किसी हमारे दुकानदार भाई ने दिया है, उसने बोला कि मैं उसने कुछ काम वाम किया है लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। तो चलिए इसका स्क्रू ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अगर मेरे वीडियो से आप लोग को कुछ मिलता है सहयोग, तो आप कृपया मुझे सपोर्ट करें, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और सबसे पहले जो है हम इसका बैटरी भी चेक कर लेते हैं कि बैटरी चार्ज है या नहीं है, उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे। तो चलिए मीटर को जो है हम DC रेंज में सेट करते हैं, एक बार जो हम बैटरी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं बैटरी जो है फुल चार्ज है, 4.1 वोल्टेज चार्ज है, फिर भी जो है सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो हम एक बार जो है DC पे भी लगा के रीडिंग चेक करेंगे कि DC पे जो है रीडिंग कितना ले रहा है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो चलिए DC पे हम एक बार चेक करा देते हैं। तो चलिए हम DC को जो 4.2 सेट कर दिए हैं, और जो है मोबाइल में DC का फ्लैक्स लगाते हैं, और ये इससे नहीं रहेगा, ये जो है इससे उल्टा आएगा। तो देखिए ये फ्लैक्स मैं लगा दिया हूँ, और यहाँ पर जो है ये पावर की है, पावर की प्रेस करने पर देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं ले रहा है, कोई भी रीडिंग जो है DC में नहीं ले रहा है। तो कहाँ से प्रॉब्लम हो हम देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बोर्ड पे। तो DC में कोई रीडिंग नहीं ले रहा, तो इसका मतलब या तो सेकेंडरी में शॉर्टिंग होगा या तो पावर IC खराब होगा, ये हो सकता है, तब तो ये रीडिंग नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले जो है हम बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग ही चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग है या नहीं है। तो एक बार जो हम DC को मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट कर लिए हैं, और एक ग्राउंड हम कर लेते हैं, और एक जो है एक देखिए ये मेरा प्लस लाइन है, और ये जो है मेरा माइनस लाइन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं बता रहा, 2000 के ऊपर रीडिंग ले रहा है, इसका मतलब इसमें शॉर्टिंग नहीं है। लेकिन अब जो है हम VPH लाइन पर सेट करेंगे, पावर IC के अगल बगल चेक करेंगे कि वहाँ पर शॉर्टिंग है या नहीं है, तो हमको पता चलेगा कि इसमें शॉर्टिंग है या नहीं है। तो चलिए जो है अब VPH लाइन को भी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये शॉर्टिंग है, यहाँ पर जो है ये फुल शॉर्ट है, लेकिन DC पर लगाने पर क्या है कि कोई रीडिंग नहीं ले रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर फुल शॉर्ट है, ये पूरा जो है कैपेसिटर जो है शॉर्ट हो रहा है, देख सकते हैं शॉर्ट है। अब शॉर्ट कहाँ पे है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए जो है हम एक बार जो है यहाँ पर सप्लाई देंगे, और सप्लाई दे करके हम थोड़ा महसूस करेंगे कि हीटिंग कहाँ हो रहा है, उसके बाद जो है हम शॉर्टिंग को निकालेंगे कि पावर IC शॉर्ट है या कन्वर्टर IC शॉर्ट है या नेटवर्क में शॉर्टिंग है। तो एक बार जो हम यहाँ पर सप्लाई दे करके उसके बाद हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। चलिए बोर्ड को हम बाहर निकाल लिए हैं। अब जो है हम एक बार
जो कैपेसिटर मेरा शॉर्ट है वहाँ पर 4.2 वोल्टेज के लगभग सप्लाई आता है, क्योंकि वो वीपीएस लाइन का कैपेसिटर है। तो हम जो है एक बार एक पिन को ग्राउंड रखेंगे डीसी का और एक से जो है सप्लाई देंगे, और सप्लाई देके महसूस करेंगे कि हीटिंग जो है वो कहाँ पर हो रहा है, उसके बाद जो है हम इसको रिपेयर करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर रीडिंग कर रहा हूँ, डीसी में फुल एम्पियर ले रहा है, तो मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, यहाँ पे जो है नीचे हीटिंग हो रहा है। और एक बार हम आप लोगों को डीसी पे भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखिए फुल जो है रीडिंग ले रहा है एम्पियर। अभी देखिए मैं यहाँ पे जो है जब लगा रहा हूँ कैपेसिटर पे, तो देख सकते हैं पूरा एम्पियर यहाँ पे ले रहा है, तो इसमें फुल शॉर्ट है। तो अब जो है हम यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो है इस साइड में देखिए यहाँ पे जो है हीटिंग हो रहा है, यहाँ पे हीटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हीटिंग हो रहा, तो उस साइड जो हम देखेंगे कि उस साइड जो है मेरा वो क्या चीज़ है। तो हीटिंग जो हो रहा है मेरा यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हीटिंग होने का मतलब कि उस साइड हीटिंग हो रहा है। तो इस साइड हम देखेंगे क्या है, तो इस साइड देख सकते हैं, इस साइड जो है यहाँ पे जो है कन्वर्टर आईसी लगा हुआ है। तो कन्वर्टर आईसी पे ही हमको लगता है इस साइड में कुछ कंपोनेंट होगा जो हीट हो रहा होगा, या तो आईसी होगा। तो एक बार जो हमको इस पतरे को निकालना होगा, और निकाल के उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कौन सा कंपोनेंट जो है हीट हो रहा है, आईसी हीट हो रहा है या कोई कैपेसिटर हीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस पतरे को निकालेंगे, और पतरे को निकाल के उसके बाद हम देखेंगे। ये जो है मेरा चार्जिंग सेक्शन है, इसमें जो कन्वर्टर आईसी होता है मेरा बीक्यू आईसी में लगा हुआ है वो सेक्शन है। तो इसको हम निकाल लेते हैं इस पतरे को एक बार। चलिए हम जो है पतरे को पहले निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं जो पतरा जो निकल गया। अब थोड़ा इसको हम ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे सप्लाई दे करके और रोजिन लगा के देखेंगे कि कौन सा जो है कंपोनेंट है जो हीट हो रहा है। तो चलिए थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं हम। तो चलिए आप लोगों को एक बार जो हम वीपीएच लाइन पे चेक करा देते हैं, यहाँ पर शॉर्टिंग है या नहीं है। जो कॉइल मेरा लगा रहता है वीपीएच लाइन से, यहीं से जो है सप्लाई निकल के मेरा सभी सेक्शन में जाता है, पावर आईसी को जाता है, नेटवर्क आईसी को जाता है, सारे सेक्शनों में यही सप्लाई जाता है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं शॉर्टिंग है या कि नहीं है। तो चलिए एक बार जो है मीटर पे चेक करा देते हैं हम लोगों को। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं जो कैपेसिटर लगा है वीपीएच लाइन से लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0-0 आ रहा है इस साइड भी और इस साइड भी। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रोजिन लगाएंगे और जो है यहाँ पर हम सप्लाई दे देंगे, सप्लाई दे करके देखेंगे कौन सा कंपोनेंट जो है हीट हो रहा है।
चलिए रोजिन हम लगा लेते हैं। चलिए रोजिन जो है लग चुका है, अब जो हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देके देखते हैं कि हीटिंग क्या हो रहा है। तो मैं डीसी के एक पिन को मैं ग्राउंड कर देता हूं, जो ब्लैक वाला होता है उसको हम ग्राउंड रख देंगे, और मैं यहां पर टच कर दे रहा हूं ग्राउंड से, और दूसरा जो है यहां पर मैं टच कर दे रहा हूं ग्राउंड से, और दूसरा जो है मैं इस पर लगाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑडियो सेक्शन में जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से एक बार मैं रोजिन लगा देता हूँ और फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन सा कंपोनेंट जो है हीट हो रहा है। ऐसे आप आसानी से फुल शॉर्टिंग को निकाल सकते हैं, ये आराम से निकल जाता है। आपके पास 5 एम्पियर का डीसी होना चाहिए, डीसी से आराम से निकल जाता है और ऐसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो एक बार देखिए, मैं इसको ग्राउंड किया और यहाँ पर जो है मैं टच कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। एक बार जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर जो है मेरा, ये वाला कैपेसिटर है वो पूरा हीट हो गया है। अब इसको जो है हम निकाल देंगे यहाँ से, और निकाल के उसके बाद हम फिर चेक करेंगे कि सेट जो है ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं इस कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। देखिए वो कैपेसिटर मैं निकाल दिया हूँ, अब थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि सेट जो है जो डेट था वो ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए देखिए अब जो है ठंडा हो चुका है, अब इसको हम निकालते हैं और देखते हैं कि सेट जो है ऑन हो रहा या नहीं हो रहा। तो हम इसको लगा लेते हैं बोर्ड को, दोस्तों ऐसे शॉर्टिंग आप आसानी से निकाल सकते हैं, और आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा लाइन पे कितना वोल्टेज आता है, क्योंकि आप गलत सप्लाई देंगे तो कोई भी आईसी शॉर्ट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से लाइन शॉर्ट है और कितना सप्लाई उस पर आता है, तो आप शॉर्टिंग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब पावर की मैं दबा रहा हूँ और देखता हूँ सेट जो है ऑन होता है या नहीं होता है। तो देख सकते हैं सेट जो है ऑन हो चुका है, अब इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, देखते हैं पूरा ऑन होता है या नहीं होता है। तो ऐसे आप शॉर्टिंग निकाल सकते हैं आसानी से, और मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला भी बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर भी अभी पूरा नहीं हुए हैं और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे, ताकि मुझे भी हौसला मिले वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों मैं बीच में कुछ वीडियो नहीं बना पाया था किसी प्रॉब्लम की वजह से, और मैं बहुत प्रॉब्लम में था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो इसके लिए आप लोग हमें क्षमा करें, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए वीडियो लाने के लिए। तो आप लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा, और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो देखिए सेट जो है पूरा ऑन भी हो गया, और इसका पासवर्ड तो पता नहीं है मुझे, और टच भी चेक कर ले रहे हैं, तो देख सकते हैं टच भी वर्क कर रहा है फर्स्ट क्लास। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।